16 घंटे भी काम करते थे तो कभी थकान महसूस नहीं होती थी, क्योंकि आप जहाँ पर भी देखो खूबसूरत ही नज़र आती है। वो माइनस में डिग्री सेल्सियस था जी, ठंड था, ठंड थी। आई थिंक सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जब आप गर्म कपड़े पहनकर गर्मी में काम करते हो तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन गर्म कपड़े पहनकर आप जब ठंडी जगह में काम करते हो तो अच्छा लगता है। तो वहाँ की कंटिन्यूटी जो थी, जो अब हम लोग मुंबई में शूट कर रहे हैं, तो उससे ही थोड़ी गर्मी से तकलीफ होती है। काफ़ी दूर दिख रही है, यंग दिख रही है, प्लस मुझे सुनी है और एक छोटी बच्ची दिख रही थी, और बच्चों के साथ में काम करना डिफिकल्ट टास्क माना जाता है, आपका क्या मानना है? एक तो सोनम नायर मेरे हिसाब से सबसे अच्छे डायरेक्टर्स में से एक हैं। उनके साथ अभी तो 2 दिन में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, और मैं बहुत खुशी से आपसे ये कहूँगी कि वो बहुत ही संजीदा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी डायरेक्टर हैं काम करने के लिए उनके साथ। और मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं, जैसे कि मैं कह रही थी, मुझे कभी सेट पे थकान महसूस नहीं हुई, कभी ऐसा नहीं लगा कि क्या कर रहे हैं हम। हमेशा खुशी महसूस होती थी काम को लेकर, और काम में काफ़ी जगहों में बहुत गंभीरता है, बहुत ड्रामा है, लेकिन फिर भी एक जोश और एक खुशी से काम होता है रोज़। और आई थिंक वो शुरू होता है डायरेक्टर से, वो एहसास। बच्ची तो आप अगर मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रहे हैं और मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहे हैं तो आप अभी तक आप जान गए होंगे कि इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी एक्टर है, इतनी कोऑपरेटिव है वो, मेरा तो मन करता है कि मैं उन्हें अपने पास रख लूँ। और मोहित रायना के साथ काम करना, मैं चाहती थी मैं उनके साथ काम करूं, मैंने उनका काम देखा है और उनके काम को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, और जब मुझे पता चला कि वो इस शो में होंगे तो मैं बहुत खुश हुई। और हमने आई थिंक एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है इस कहानी के ज़रिए, और उम्मीद यही है कि लोगों को हमारी पेयरिंग उतनी पसंद आएगी जितना कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ काम करते हुए मज़ा आया। जी, मैं यही कहूँगी कि मैं मेहनत करती जाऊँगी, और यही कोशिश रहेगी कि अच्छी अच्छी कहानियाँ उन तक ले आऊँ। और अच्छी बात यह है कि आज के दौर में OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत अच्छी कहानियों को लोगों तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है, और उम्मीद यही रहेगी कि ये कहानियाँ आप तक पहुँचती है। थैंक यू। देखो मेरे माय नेल्स एक्चुअली आर नॉट डर्टी। Thank you, ma'am. Thank you.